नेक्स्ट त्यार पछीनी एक्सरसाइज छे पेज नंबर 16 ऊपर एक्सरसाइज सी 16 राइट वन सेंटेंसेस टू शो सिग्निफिकेंस ऑफ दीस इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्ल्ड ना जीवन में है ए क्या क्या बनाव बनी गया है एना विषे अपने ए शब्द आपेले छे एना पर वाक्य अपना आधार पाठ आधार पर लखवाना रहेशे। पेलू वाक्य आप्युं छे ट्रेंड्स, हवे आपणे पाठना आधारे जोईशुं। तो एमां फर्स्ट वाक्यमां ट्रेंड्स आपेलू छे, जॉबमां मैं पुरावेलू छे, वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेंड्स। वॉल्ट कदी पण ट्रेन प्रति पोतानो प्रेम ओछो करवा मांगतो नथी अथवा खोवा मांगतो नथी। नेक्स्ट नंबर टू, एलिस इन कार्टून लैंड। एलिस इन कार्टून लैंड एम जॉब मतलब शो अपने वॉल्ट स्टार्टेड ए कार्टून सीरीज कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड। एलिस इन कार्टून लैंड एट वॉल्ट है ए कार्टून लैंड में ए वॉल्ट स्टार्टेड एट शुरू करेलू ए कार्टून सीरीज कार्टून ने सीरीज हाँ एने शूँ कहे इज कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड। एने आप एम कहे कि ज्या शुरू करेली एज भूमि ने ए एलिस इन कार्टून लैंड तरीके ओळखावे छे। नंबर थ्री माउस, एमां आपणे जवाब लखशुं माउस मिक्की सेलिब्रेटेड हिज 40th एफआर 40 करंट एज 40th बर्थडे इन 1968। एलिस माउस मिक्की नो जन्मदिवस की उजवनी 40मा जन्मदिवस की उजवनी 1968 में करेली। नेक्स्ट इमेजिनेशन, IMAGINATI इमेजिनेशन। वॉल्ट मैचलेस इमेजिनेशन एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम बिकम रियलिटी। फरीथी बोलू छू, वॉल्ट मैचलेस इमेजिनेशन एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रोन बिकम रियलिटी के एनी अपेक्षाओ छे ए अनगिनत हती, एनी एटली बधी काबिलियत हती के दरेक वस्तुमां ए सफलता भणवा मांगतो हतो, एबिलिटी सफलता मेळवा मांगतो हतो। पछीनुं आवे छे शोर्टेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस एटले पैसानी तंगी हमेशा सतावती हती। एमां हिज आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियन्स ऑफ डॉलर्स इन टू एंड एम्यूजमेंट पार्क, एनो विचार हतो के सिंकिंग मिलियन्स ऑफ डॉलर की जरूरत अछत पड़ती थी इन टू एंड एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क तैयार करवा पड़े, असंख्य डॉलर की पैसा जरूर उभी थी थी। नेक्स्ट त्यार पछीनुं छे बाइसिकल, चेन्ज योर बाइसिकल टू ए बाइसिकल। तमारी बाइसिकल ने बाइसिकल में रूपांतरित करो, एवं अहीं कॉमेंट करेलू एक वाक्य छे। तो विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 16 पर एक्सरसाइज C16 वीडियो ना माध्यम थी आपने खाली जगह वाक्य पूर्ण करो, एक वाक्यनो जवाब पूर्ण करो मोकलावुं छूं, आप आपणा पाठ्यपुस्तकमां पूरी लेशो। जोड़े जोड़े होमवर्क वन टाइम लखवानुं पण रहेशे। ओके okay।